हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि। और बस मैं अभी नहा कर आती जा रही हूँ और मंदिर के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर जाना है। इसी वजह से फिर मैंने साड़ी भी पहन ली है और आज बाल भी धुले हैं व्रत की वजह से, तो अभी गीले हैं। बस यूं ही वैसे ही बांधे ले रही हूँ, हल्का सुलझा के वैसे ही बांध ले रहे हैं, क्योंकि सुखाने का फिर टाइम नहीं है, देर हो जाएगी मंदिर जाने के लिए। और बच्चों के साथ में जल्दी करके भी लेट हो ही जाते हैं, तो बस अब निकलते हैं मंदिर के लिए। और फिर भी इतनी जल्दी किया, फिर भी काफ़ी लेट हो गए हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल आए हैं मंदिर के लिए। हम लोग जा रहे हैं घंटेश्वर मंदिर, क्योंकि आज है शिवरात्रि, तो हम लोगों ने सोचा कि मंदिर हो आते हैं। और मंदिर में ये देखो, मेरी शादी हुई थी, वो कटता है, सुबह निकल गया, मैं दिखवा नहीं पाई। वो वाला, हाँ, वो रगनचंद गाइडरी थी ना, वही थी। और हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और बस थोड़ा पानी लेना है। वैसे अंदर भी होगा पानी, लेकिन भाभी बोल रही हैं कि यहीं से हाथ पैर धुले ले रहे हैं और पानी ले लेंगे, तो जल के लिए पानी भर रहे हैं। और अंदर भी है, अंदर भी हाथ पैर धुल लेंगे हम लोग। और हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर और काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्योंकि शिवरात्रि जो है, हर कोई दर्शन करने आ रहा है। और वैसे इतनी भीड़ नहीं रहती है, बहुत कम भीड़ रहती है, लेकिन आज शिवरात्रि है, इस वजह से काफ़ी भीड़ है। और श्याम को तो मैं मम्मी के पास ही छोड़ कर आई हूँ घर में, श्याम को लेके नहीं आई हूँ, तो वो मम्मी के पास है। और मम्मी कह रही थी कि हम ज़्यादा होगा तो बाद में चले जाएँगे मंदिर, नहीं तो आप तुम लोग दर्शन करा। तो बस हम सब लोग ही आए हैं दर्शन करने, मम्मी और श्याम घर पे हैं। यहाँ पर ये भाभी दीपक के लिए बत्ती तैयार कर रही थी। बिट्टी को मैं झोला के पास बैठा रही आई हूँ। और यहाँ पर पूजन और अभिषेक चल रहा है, घंटेश्वर भगवान का पूजन और अभिषेक किया जा रहा है, तो और भी वीडियो देख लीजिए। और कंठेश्वर भगवान के हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं
और जो हम लोग घर से फूल लेकर आए थे वो फूल ख़त्म हो गए हैं, थोड़े से ही बचे हैं। हम लोगों को चंद्रिका देवी भी जाना है, इस वजह से नंदिनी ने यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे पूछ लिया है, तो थोड़े से फूल लेने के लिए उनके बगिया में चली गई थी और शिवांशी भी पहुँच गई है फूल तोड़ने के लिए। वैसे तो थोड़े से हैं, और जो हम लोग घर से विसर्जित करने के लिए सामान लेकर आए थे जैसे फूल और हवन वगैरह की राख होती है वो, तो भैया पीछे ही तालाब है मंदिर के, वहाँ विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। मेरे इयररिंग अच्छे लग रहे हैं ना, लेकिन मैं हैवी की वजह से पहनती नहीं हूँ उसे। मेरे बाल देख, धोले हैं तो पूरे यहाँ तक आ रहे हैं। धोले में बाल हम लोगों के ऐसे छिटक जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी अभी हेयर स्टाइल करवा के आए हैं ना। हाँ, पूरे ऐसे फैल रहे, बार बार मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ फिर वो आ जाते हैं नीचे। हाँ, उन्हें देखो सबसे आगे आगे जा रही है शिवांशी रानी। मामा साथ में ना, तो मामी मेरे पीछे कर ही देगी। नहीं भी दौड़ेगी तो बस इसकी चली जाती है। मामा होते हैं तो मामा का हाथ पकड़ के चलती है, तो मामी होती है तो मामा मामी का हाथ पकड़ के चलती है, और जब दोनों लोग होते हैं और शायद नाना जी साथ में होते तो नाना का हाथ पकड़ के चलेगी, फिर किसी का नहीं पकड़ नाना के साथ चलती है। कंठेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम लोग आ गए हैं जो बड़ी चंद्रिका देवी का मंदिर है वहाँ आ गए हैं, तो अब यहाँ भी दर्शन कर लें, साथ ही साथ यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर जाएंगे घर। पास ही पास हैं दोनों मंदिर, चंद्रिका देवी का मंदिर है और उस साइड कंठेश्वर भगवान का मंदिर है। उसके बाद में फिर हम लोग दर्शन करने के बाद में आ गए हैं, थोड़ा बहुत दुकानों में कुछ सामान वगैरह देख रहे हैं, और मैं वो वाला छल्ला ढूंढ रही थी जो उसमें तांबा भी होता है पीतल भी होता है मिला हुआ होता है, तो वही मैं कह रही थी भाभी से कि वो वाला नहीं है, ओनली तांबे अकेले का है। ये देखिएगा, ये खिलौना के लिए रूठ गई है, क्योंकि अभी ज़्यादा दुकानें थोड़ी ना थी, एक आध दुकान थी उसमें वैसे ही खिलौने थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो इसे दिलाए नहीं गए हैं, तो वो गुस्सा हो रही है कि मुझे खिलौना नहीं दिलाया गया है। और बस अब हम लोग आ गए हैं घर। और अब कर रही हैं मम्मी जी पूजा, सब लोगों ने बेलपत्र वगैरह चढ़ा लिए हैं, मम्मी को चढ़ाना रह गया था तो अब मम्मी चढ़ा रही हैं, तो नंदिनी उन्हीं के लिए बेलपत्र सब छांट छांट के रखती है ताकि कटी फटी ना हो, और उनमें ओम नमः शिवाय जो लिखा जाता है चंदन से वो लिख रही है। और अब हो रही है संध्या आरती। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए ब्लॉग ऐसे ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।